बड़ी खबर आपको कुरुक्षेत्र से बता दें, कुरुक्षेत्र में सीएम का जनसंवाद। 3 दिवसीय कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम मनोहर लाल, गांव-गांव में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। नलवी में सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। झांसा गांव में भी सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही खरीजमा गांव में भी जनसंवाद मुख्यमंत्री करेंगे अब से कुछ देर बाद में। तो कुरुक्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और उनका गांव-गांव जाकर जनसंवाद का कार्यक्रम इस समय जारी है। तो गांव-गांव जाकर जनसंवाद मुख्यमंत्री लगातार यहां पर कर रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी मुख्यमंत्री इस समय कर रहे हैं। जो आज नहीं गिनाई जा सकती है, लेकिन तो इतना ही है। अपने आप आपके आजकल ओल्ड एज पेंशन 60 साल की उम्र होते ही ओल्ड एज पेंशन के लिए कहीं जाना नहीं। परिवार में बेटी की शादी है, उसने अपना फॉर्म भर दिया और अगर उसकी जो शर्तें पूरी करते हैं तो मुख्यमंत्री जो कन्या जो क्या योजना है, विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में तुरंत पैसे उसके खाते में पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट किसी को बीच में अब पैसे को लेके आएगा और आपको देगा ऐसा नहीं है। आपका अकाउंट नंबर कंफर्म होना चाहिए। राशन कार्ड कटने का काम भी मना नहीं कर रहा कि काटे नहीं है, हाँ जिनके कटे हैं अपील करने का सिस्टम है, आप अपील कर दीजिए। और अगर आपकी आमदन 1,80,000 से कम है तो तुरंत बनेंगे। तो 1,80,000 भी हमने अब की है, बाकी सब प्रदेशों में आज भी 1,20,000 रुपए का लिमिट है साल की, हमने उसको 1,80,000 कर दी। कोई नहीं, 15,000 रुपये महीने वाला भी जो हमारा है उससे अगर नीचे है तो उसको भी राशन कार्ड दे दो। अब जिसकी आमदन नहीं है, ऐसे हमने 7 लाख परिवार छांटे हैं अभी, उनकी आमदन साल की 1 लाख रुपए से कम, उनके हर यानी परिवार के एक सदस्य को काम कैसे दिया जाए। तो हमने कहा चलो उसका टेस्ट करते हैं। 3 लाख लोग ऐसे निकले जो इनको टेस्ट कर दो, 80 लाख लोग ऐसे मिले जिनका घर में कोई ना कोई नौकरी लगा हुआ, तो इनके राशन कार्ड कटने चाहिए।